गाइस वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एनएफटी रिव्यू। सो आपको जैसे मैंने अभी ट्रेलर दिखाया है, आपको पता लग गया होगा कि आज की इस वेबसाइट के ऊपर बात करने वाला है। बेसिकली आज की जो वेबसाइट है डीएक्स कप के ऊपर, डीएक्स कप बहुत ही जबरदस्त एनएफटी प्ले थ्रू अन गेम में आपने एनएफटी यहां से अर्न करनी है। कैसे अर्निंग करनी है वो मैं आपको टोटली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग एनएफटी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको तमाम एनएफटी प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स मिलती रहे मेरे चैनल से। तो गाइस वेबसाइट के रिव्यू स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक आपको थोड़ी सी और डिटेल बता दूं। डीएक्स कप बहुत ही ज़बरदस्त प्ले टू अर्न गेम है जिसमें से आपने रेफरल्स बनाने हैं। जितने ज़्यादा आप रेफरल्स बनाओगे उतनी ज़्यादा अर्निंग करोगे। अगर आपने इसकी प्ले टू अर्न गेम को गेम प्ले करनी है तो आपने वहाँ से एनएफटी अर्न करनी है। कैसे करनी है वो भी आपको मैं डिटेल से वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत ही ज़बरदस्त गेम का रिव्यू देने वाला हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप मिलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि वेबसाइट मेरे पास ओपन है। ऑलरेडी द रियल चैंपियन आ रही है। तो गाइस बेसिकली सोशल गेम में मैंने उनको बताया है कि आपने तो खेलना कैसे है। यहाँ पर डीएस कप दिया और इसका आईसीओ भी स्टार्ट है। आईसीओ में आप पार्ट ले सकते हो और वहाँ से भी बहुत से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। आईसीओ का मैं टोटली रिव्यू दूंगा कि आपने आईसीओ में कैसे पढ़ लेना है। इसका एयर ड्रॉप भी स्टार्ट है जिसमें आप एयर ड्रॉप में पार लेके फ्री के इसके टोकन अर्न कर सकते हो। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, टोटली रिव्यू देने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक रहेगा। तो आपके सामने है यहाँ पे देख सकते हैं द रियल चैंपियन आर हेयर एनएफटी गेम ऑफ द वर्ल्ड पैशन डीएक्स कप सोशल मेटावर्स। मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा मेटावर्स में आपको डीएक्स कप जो मिल रहा है एनएफटी प्लेटफॉर्म गेम है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्या कि आपको टोटली रिव्यू देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे अकाउंट, उसमें बताऊंगा कि आपने इसके टोकन को कैसे बाय करना है। ऑलराइट, तो अबाउट डीएक्स कप पे आते हैं। अ सोशल गेम मेटावर्स दैट विल यूनाइट थाउजेंड ऑफ स्पोर्ट्स एंथुसिएस्ट इनटू अ कम्युनिटी वेयर यू कैन एक्वायर योर टीम ऑफ एनएफटी प्लेयर्स, मैनेज योर ओन क्लब और एरिना, बिल्ड अ फैन बेस एंड अर्न रियल इनकम व्हाइल हैविंग फन। तो गाइस यहाँ पे आप बता रहे हैं कि आपने सोशल गेम को मेटावर्स, जो भी सोशल गेम है मेटावर्स का प्लेटफॉर्म, उसमें आपने करनी है क्या है कि आपने एनएफटी अर्न कैसे करनी है। आपने अपनी एक टीम बनानी है, उसको डेवलप करना है, उसमें आपने करेक्टर्स डालने हैं, उसको आपने बड़ा करना है, मैनेज योर ओन क्लब, अपना क्लब ज्वाइन करना है, अपना क्लब मैनेज करना है, उसमें आपने अरिनास बनाने हैं, बिल्ड अ फैन बेस बनाना है, उसमें अर्निंग भी स्टार्ट करनी है आपने क्या, और उसके साथ साथ आप गेम को भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, उसके साथ साथ आपको एनएफटी भी मिल जाएंगी। अ कंप्लीट इकोसिस्टम अवेट्स यू। तो प्लेयर्स, क्लब्स, एरिनास, यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं जो बेसिक है, मेन है। एक्सक्लूसिव एनएफटीज अर्न थ्रू विंस इवॉल्व योर प्लेयर। एक्सक्लूसिव एनएफटीज आपको मिलेंगी, जैसे ही आप जितने मैच जीतते रहेंगे उतनी आपको एनएफटीज मिलती रहेंगी, जिनको आप मार्केट प्लेस में जाके सेल कर सकते हो, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आता है अर्न थ्रू लीग विंस रिक्रूट द बेस्ट प्लेयर्स। तो गाइस यहाँ बता रहा है कि आपने क्लब ज्वाइन करने हैं, क्लब्स में आपने मैचेस प्ले करने हैं, उनके थ्रू भी आपको अर्निंग होगी। ट्रेड योर प्लेयर, अपने प्लेयर्स के ट्रेडिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। एरिनास जनरेट पैसिव इनकम फ्रॉम गेम्स, डिस्प्यूट चैंपियंस, ट्रेड योर एरिनास, अपना एरिना ट्रेड करो। उसके बाद आता है अर्न इनकम एंड हैव फन। प्ले टू अर्न है, प्ले है, प्रॉपर्टी है, इवॉल्व है, हैव अ गुड टाइम। हैव अ गुड टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको मैंने बताया है कि हैव अ गुड टाइम है, आपको यहाँ पे हैव फन प्लेइंग एनएफटी सोशल विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। उसके अगर आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि रेफरल बेस्ड सिस्टम है, अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो आप उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, उनको कहो कि इसको ज्वाइन करें, तो आप इकट्ठे भी इस गेम को प्ले कर सकते हो, एज अ टीम प्ले कर सकते हो, ताकि आप यहाँ से एनएफटीज निकाल सको। दोनों को फ़ायदा होगा, उसको भी फायदा होगा जो आपको फ्रेंड है, और आपको भी फायदा होगा यहाँ से। इवॉल्व गेन स्किल थ्रू एक्सपीरियंस, गेम प्ले एंड ट्रेनिंग। गेम प्ले एंड ट्रेनिंग में आपने स्किल्स को बड़ा इन्हेंस कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। प्रॉपर्टी थ्रू कलेक्ट एनएफटीज, सेल, रेंट एंड कलेक्ट रिवार्ड। आप कलेक्ट कर सकते हो एनएफटीज को, सेल कर सकते हो, रेंट भी देना चाहो रेंट भी दे सकते हो, और रिवार्ड्स भी अर्न कर सकते हो उसके थ्रू। इवॉल्व योर प्लेयर्स एंड रिवार्ड, अपने प्लेयर्स को अर्न करो। डिफेंस 55 पॉइंट रखे गए, अटैक 74 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 42। यहाँ पे अपने प्लेयर्स को आपने करना इवॉल्व, जितना आप स्किल्स बढ़ाओगे उतने आपके रिवार्ड्स अर्न करने के, विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। उस पर आप इवॉल्व के लिए तो आपके पैसे लगेंगे, टोकन्स लगेंगे, जो कि आपने बाय करने हैं यहाँ से। उसके लिए जितना आप इवॉल्व करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एनएफटीज अर्न करने के। गाइस इसकी याद रखिएगा, इसकी जो एनएफटीज हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त है। बी वन ऑफ द फर्स्ट टू ज्वाइन डीएक्स कप।
एक्वायर डीएक्सी टोकन इन द आईसीओ स्टेज एंड इंजॉय यूनिक बेनिफिट्स। देन आपके पास टोकनोमिक्स आते हैं, टोकनोमिक्स में आपको बताया जाएगा इसकी वैल्यूएशन, मार्केट कैप, टीएफ ही बहुत आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। प्लेट 130% है, आईसीओ 8% रखा गया है, प्लेटफॉर्म डेवलप 6% है, कोर टीम 13% है, फाइनेंशियल 8%, एयर ड्रॉप 1% एंड मार्केटिंग 5% की गई है, डेक्स लिक्विडिटी 4% एंड टोकन स्टेबिलिटी 19% की गई है। उसके बाद आएगा इस रोड मैप, रोड मैप में आपको पता लगेगा कि बहुत ज़बरदस्त रोड मैप है। इसका रोड मैप में आपको तमाम प्रोजेक्ट की अपडेट मिलेगी, इन फ्यूचर इन्होंने क्या करना है और इनके इन्होंने क्या क्या अभी तक कंप्लीट कर लिया, क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट अब तक कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट एंड कम्युनिटी, ऑफिशियल ट्रेलर, करेक्टर प्रेजेंटेशन, टोकन एयर ड्रॉप, टोकन एयर ड्रॉप इसका स्टार्ट है गाइस, आपको अभी कह रहा हूँ एयर ड्रॉप में जाके पार्ट लो, वहाँ से फ्री के आप टोकन अर्न कर सकते हो। बहुत बड़ी बात है कि प्रोजेक्ट आपको इतना ज़बरदस्त एयर ड्रॉप दे रहा है जो कि फ्री है, टोटली आप इसके टोकन को फ्री अर्न कर सकते हो, जो कि आप गेम में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको मार्केट पर सेल भी कर सकते हो। गेम लॉन्च, मार्केट प्लेस, करेक्टर एवोल्यूशन, टेम्पोरेरी इवेंट, न्यू गेम मोड, परचेज ऑफ स्टेडियम, स्टैकिंग, स्टैकिंग रैंकिंग गाइस, प्लेयर ट्रांसफर दिया हुआ है यहाँ पे, न्यू कैरेक्टर्स, पीवीपी मोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन आप आते हैं फ्रेंडशिप सिस्टम पे, न्यू लैंग्वेजेस, फ्रेंडशिप सिस्टम में आपको बहुत से आपके जो फ्रेंड्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के कंट्रीज के आपके साथ अटैच होंगे और आपको एक नया बेस, नई चीज़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो जाते हैं परचेज एनएफटी, स्टेकिंग कर सकते हो आप एनएफटी गेम ऑफ द वर्ल्ड पैशन बाय टी एक्सकॉइन। अब आपने बाय कैसे करना है गाइस, बाय करने का तरीका भी बहुत इजी है, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक वाइट पेपर है उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, ताकि आपको वाइट पेपर का नॉलेज भी हो जाए कि आपने इसमें से कैसे आपने इसको पार्ट लेना, हाउ टू अर्न सिस्टम है, हाउ टू अर्न मैंने बता दिया कि आपने अर्न कैसे करना है। उसके बाद टोकनोमिक्स रोड मैप भी हो गया। देन अब आते हैं इसके वाइट पेपर के ऊपर गाइस, वाइट पेपर भी बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे है इसका वाइट पेपर, इसमें आपको टोटली रीड करना है इसको। मैं बता रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया करो, जिस प्रोजेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो उसके वाइट पेपर को, रोड मैप को, टोकनोमिक्स को, इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ा करो, ख़ास तौर पर वाइट पेपर को टोटली रीड करो गाइस, इसमें आपको पता लगता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इस प्रोजेक्ट में, जो कि आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सकेगी। अगर नहीं करनी तो आपको वो भी पता लग जाएगा कि प्रोजेक्ट कितना पावरफुल है, कितना पोटेंशियल है इसका, जो कि इन फ्यूचर आपको फ़ायदा दे सकता है। डीएस कप पे आते हैं, डीएस कप में आपको पता लगेगा गाइस कि डीएस कप वाज डिजाइन एंड डेवलप यूनिफाइंग द यूनिवर्स सोर्सेस विद बेस्ट रिसोर्सेज, ब्लॉकचेन गेम, ब्लॉकचेन गेम से बनाई गई बेस्ट रिसोर्सेज की गेम है अब तक की डीएक्स कप गाइस, वीडियो गेम इन विच प्लेयर कैन अर्न क्रिप्टो करेंसी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन द इकोसिस्टम, दीज गेम्स नोन एज प्ले टू अर्न, प्ले टू अर्न के नाम से गेम्स जानी जाती हैं, हेयर द ट्रू चैम्पियंस। गेम रिसोर्सेज में आते हो तो गेम कमिंग सून गाइस, गेम है इसकी कमिंग सून, गेम आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएगी इसके प्लेटफॉर्म पे। तो अभी कह रहा हूँ गाइस इसके टोकन्स को अभी होल्ड कर लो, ताकि जब गेम रिलीज होगी, जैसे ही गेम रिलीज होगी इसके टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो तब फ़ायदा नहीं होगा, जो लोग तब खरीदेंगे वो महंगे लेंगे इसके टोकन, और आपको बेनिफिट ये होगा कि आपने अगर अभी इसके टोकन को होल्ड किया होगा तो जब इसकी गेम रिलीज होगी इसकी मार्केट प्लेस भी लॉन्च हो जाएगी। अगर आप चाहो तो गेम को खेल सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके टोकन्स को मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हो। उसके बाद बात आती है पब्लिक सेल में डी एक्स टोकन पे, पब्लिक सेल में डी एक्स टोकन किसी से नेटवर्क नेम बायनांस स्मार्ट चेन है, बायनांस स्मार्ट चेन का टोकन है, तो आप वेब 20 से इसको परचेज करोगे। टोटल सप्लाई आफ्टर द आईसीओ पीरियड द सप्लाई मैक्स विल बी स्टेबलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द, अच्छा इसके आईसीओ स्टार्ट है गाइस, आप आईसीओ में भी पार्ट ले सकते हो, आप आईसीओ में अगर पार्ट लेना चाहते हो तो ठीक हो गया। तो प्री सेल पे आते हैं, प्री सेल में आपको पता लग जाएगा कि द डीएक्स का विल स्टार्ट इट्स पब्लिक सेल आईसीओ, इसकी पब्लिक सेल स्टार्ट है गाइस, प्री सेल इसकी स्टार्ट है, पर आप इसमें टोकन ले सकते हो प्री सेल में 100%, आपको पता लगेगा प्री सेल में आप कितनी कम वैल्यू के मिलते हैं टोकन्स, और जब लिस्ट होता है वहाँ से 100 से 1000x उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो यही वैल्यू, यही वजह होती है कि आपको पहले इन्फॉर्मेशन देने की वैल्यू, वजह यही होती है कि आप उस प्रोजेक्ट में जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करके इन फ्यूचर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट निकाल सको, 10x 200 to 1000x तक निकाल सकते हो अगर पोटेंशियल बहुत अच्छा है प्रोजेक्ट का। तो
प्लेयर विल बी एबल टू परचेज द टोकन इन इनिशियल वैल्यू 0.01 डॉलर। प्री सेल में आपको 0.01 डॉलर का प्लस टेक द अपॉर्चुनिटी टू एंटिसिपेट एंड परचेज द टोकन मच चीपर। वही बात होगी जो मैंने आपको बताई है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्री सेल में टोकन्स को परचेज करना एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज़बरदस्त एक्स प्रोवाइड कर सकता है। प्रमोशन वैल्यू इसकी है 0.005। The price of the token will vary with each lot following a strategy to equalize the economy, which will be established in the future with the completion of the development of DEX Cup ecosystem, with each phase lasting about 20 days until the final ICO period runs out full months. तो गाइस यहाँ पे बता रहा है कि आपको ICO में 20 डेज के बाद ICO खत्म हो जाएगा, देन 7 फुल मंथ्स का ICO है जो एमिंग एट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑडियंस। अच्छा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे करें। द ट्रांसफ़र ऑफ DEX की टोकन्स बिटवीन प्लेयर्स अलाउड। आप DEX टोकन को प्लेयर्स के बीच ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, मतलब कि आपके साथ एक प्लेयर है जो कि आपका फ्रेंड है, उसके पास टोकन्स नहीं है तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। बस बेसिकली द मेन पर्पज इज रेफरल बोनस गाइस। रेफरल बोनस इस प्रोजेक्ट की बड़ी बात है। वो कैसे कि आपने यहां पे बनाने हैं रेफरल। तो गाइस बड़ी बात आती है रेफरल बोनस पे। रेफरल बोनस मैंने आपको बताया कि इसके मेन द मेन पॉइंट्स हैं, उसमें रेफरल बोनस मेन पॉइंट है। कैसे कि आप जितने फ्रेंड्स को शेयर करोगे, जितने फ्रेंड्स को कहोगे कि इस गेम को प्ले करें, अपने लिंक के थ्रू आपको रेफरल कमीशन मिलेगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट लेवल का आपको 10% है, सेकंड लेवल का भी 10% है, थर्ड लेवल टोटली जितने भी लेवल करोगे उसका 10% आपको रेफरल कमीशन मिलेगा। तो इक्वल रखा गया है सिस्टम यहाँ पे। एज अ कम्युनिटी सेंटर गेम द ग्रोथ ऑफ द DEX कप इकोसिस्टम इज सपोर्टेड बाय इट्स प्लेयर्स। फॉर द रिवार्ड्स प्लेन फॉर इंडिकेटर्स वाज एस्टैब्लिश्ड विद द एम ऑफ इनकरेज players who are dedicated to propagating DEX Cup to their friends who are passionate about football. During a DEX token ICO phase, player will bid with a unique reward format designed to generate income for players will while the ecosystem is in the development period. आपने यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ player can earn by referring up to level 4 levels DEX token. आप 4 levels तक यहाँ पे 10% commission हर एक level का कमा सकते हो guys. 10% rewards आपको that can be converted into tokens और other cryptocurrencies such as Tether. आप यहाँ पे tokens में भी convert हो जाएगा अगर आप चाहते हो कि वो आपके Tether में convert हो जाए या tokens में convert हो जाए, यहाँ पे depend करता है जितने जिसमें चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आते हैं विड्रॉ रिवार्ड्स पे। क्या विड्रॉ में आपको ऑल रिवार्ड्स एक्रूड थ्रू रेफरल्स ड्यूरिंग द ICO फेज ऑफ DEXC। ICO फेज में जितने भी विड्रॉ होंगे आपको मिल जाएंगे। टोकन कैन बी इंस्टेंटली विड्रॉ टू अ USDT वॉलेट विद सपोर्ट ऑफ BEP20 नेटवर्क। गाइस आपको विड्रॉ मिलेगा USDT BEP20 नेटवर्क में, क्योंकि ये USDT BEP20 का प्रोजेक्ट है, बाइनांस स्मार्ट चेन का है, तो आपको विड्रा भी BEP20 में मिलेगा फॉर द प्रोजेक्ट 20 नग विद अ मिनिमम ऑर्डर वैल्यू $20। मिनिमम आप $20 यहाँ से निकलवा सकते हो, इससे मैक्सिमम जितने आप चाहो निकलवा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितने विड्रा फी भी है। यहाँ पे 3% ऑफ रिक्वेस्टेड अमाउंट प्लस फी BEP20 नेटवर्क की यहाँ पे फी रखी गई है, विच वेरी अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के टाइम आपको यहाँ पे फीस को देना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन के टाइम भी फीस देनी पड़ेगी, जिससे आपको 3% ट्रांजेक्शन है जिससे आपने अगर विड्रा करनी है टोकन्स को। एलोकेशन शेड्यूल भी है यहाँ पे। एलोकेशन शेड्यूल में आपको दिखा देता हूँ। एलोकेशन शेड्यूल अभी फिलहाल आया नहीं है, तो आप यहाँ पे रोड में मैंने आपको दिखा दिया गाइस। न्यू गेम मोड्स हैं, कंटेंट कम्युनिटी है, ऑफिशियल ट्रेलर है, हर चीज़ यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुकी है। जो कि रह गई थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। DEXC टोकन है गाइस, आपको बताया कि DEXC टोकन ऑलरेडी लिस्टेड है। यहाँ से आप नेटवर्क ब्रांच चेन है, यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक हो गैस। तो ये था एक वेबसाइट का रिव्यू DEX कप का। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, जिसमें आप लोगों ने करनी है इन्वेस्टमेंट। कैसे मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट की कितनी हाई वैल्यू है, इन फ्यूचर आपको कितना पोटेंशियल दे सकता है। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने इसको बाय कैसे करना है और इस टोकन को होल्ड कैसे करना है और इस पे रजिस्टर कैसे होना है। रेफरल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके उसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, उसको ज्वाइन करके इसमें पार्ट ले सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।
Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.